हेलो फ्रेंड्स, आईईएस का एग्जाम जितना ज्यादा मुश्किल होता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल आईईएस के इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। एक्चुअली आईईएस के इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होते, ये थोड़ा ट्रिकी होते हैं। एक्चुअली जो इंटरव्यूअर होता है वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपके कॉन्फिडेंस लेवल एंड आपके दिमाग की गहराई को जानने की कोशिश करता है, आपके कॉमन सेंस को पहचानने की कोशिश करता है। वो ये जानने की कोशिश करता है कि आप कितनी गहराई तक सोच सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में मैं कुछ मजेदार आईएएस के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को लेके आया हूँ, बने रहिए, लास्ट में कुछ सरप्राइज है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और आप इन क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चन का जवाब आ रहा है पहले से, वो आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। लास्ट में आप सबके लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका भी रिप्लाई आप लोगों को करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आईएएस के इंटरव्यू में यह क्वेश्चन किया गया कि हेयर एंड देयर में क्या फर्क होता है। ये सवाल जितना ज्यादा आसान लग रहा है, एक्चुअली आपको लगता है कि आईएएस के इंटरव्यू में इतने ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें जरूर कोई लॉजिक होगा, तभी यह ऐसा क्वेश्चन पूछा, पुटअप किया गया है। तो जो जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, जिसने वो जवाब दिया कि हेयर एंड देयर में टी का फर्क होता है, यदि देयर में से टी को हटा दिया जाए तो हेयर एंड हेयर हो जाएगा, फर्क रहेगा ही नहीं, सेम हो जाएंगे। तो ये इसका रिप्लाई था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये एक्स के 9 बच्चे हैं और उन सबकी एक एक बहन है, सभी बच्चों की एक एक बहन है, तो टोटल एक्स के कितने बच्चे हुए। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और कैंडिडेट उसी में उलझ के रह जाता है, लेकिन यदि गहराई से सोचा जाए तो इस क्वेश्चन में ही सवाल का जवाब छुपा हुआ है कि एक्स के कितने बच्चे हैं। एक्स के 9 बच्चे हैं और उन सबकी एक एक बहन है, यानी बहन एक ही है और वो सबकी है, यानी टोटल कितने बच्चे हुए, टोटल 10 बच्चे हुए, यानी एक्स के टोटल 10 बच्चे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी देखो देखो पीछे, अंग्रेजी में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको हमेशा राम ही पढ़ा जाता है। दो शायद आप में से बहुतों को इसका जवाब आता होगा, लेकिन जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ उसने इसका जवाब दिया रॉन्ग। रॉन्ग ही ऐसा वर्ड है जो हमेशा रॉन्ग ही पढ़ा जाता है। ये चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मजेदार है और हमारी जनरेशन का है। यदि एक लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है तो प्रपोज करना क्या किसी अपराध की श्रेणी में आता है, बताइए बताइए। ऐसा सवाल यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं तो मुस्कुरा दूं, हैं? नहीं, यदि कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ऐसा आईपीसी की किसी भी धारा में मेंशन नहीं है कि लड़की को प्रपोज करना अपराध की श्रेणी में आता है। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक आदमी 1920 में पैदा हुआ और 1920 में ही मर गया, लेकिन मरते वक्त उसकी उम्र 75 साल थी, ये कैसे संभव है। दिमाग घूम गया ना। कैंडिडेट भी ऐसे ही परेशान हो जाते हैं कि अरे यार वो तो एक साल में ही, कैसे ही ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन 1900 जो पहला 1920 है वो सन को प्रिडिक्ट करता है, लेकिन दूसरा 1920 एक हॉस्पिटल के 19वें माले के 20वें कमरे को प्रिडिक्ट करता है, यानी 19वें माले के 20वां कमरा, यानी 1935 रूम नंबर में वो मरीज था और उसी में उसकी डेथ होगी, यानी जिस वक्त उसकी डेथ हुई उसकी एज 75 ईयर थी। मजेदार था ना, मैं भी कंफ्यूज आ गया था, लेकिन इसका आंसर पढ़ा तो फिर मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन ये आप सबके लिए है, इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और ये इसी क्वेश्चन के रिप्लाई पे डिपेंड करेगा कि कल वो दो कौन से कैंडिडेट है जिनको प्राइज, जिनको गिफ्ट दिया जाएगा। ये गिफ्ट प्राइज कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे आपका और हमारा जो कनेक्शन है वो बना रहता है, मजा आता है, और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी मजा आता है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में दोनों विनर के बारे में बताया जाएगा और उनको उनके
तक गिफ्ट किस तरीके से भेजा जाएगा हम उनसे कनेक्ट करेंगे और उनको इसके बारे में बताएंगे और जिसकी घोषणा मैं इस चैनल पे भी आप सबके सामने करूंगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। ये